नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मंबो जंबो किड्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो अपने कमरे में खेल रहा था तभी उसका दोस्त रूनी वहां आता है। अरे जो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? नहीं, मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दे सकता। तभी मूक अंदर कमरे में आती है। जो, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं, तुम कुछ रूनी को दे दो। नहीं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सुनाओ। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश और छोटे भाई का नाम सुरेश था। रमेश के पास बड़ा घर, गाड़ी और बहुत सारे नौकर थे। वो बड़ी ही शानो शौकत से रहता था। लेकिन दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सुरेश बहुत ही गरीब था। वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक समय के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता था। एक दिन सुरेश अपने घर पहुंचता है। भोजन लगाओ। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भी बहुत भूखे हैं, घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है। यह सुनकर सुरेश बहुत दुखी हो गया। आपके बड़े भाई तो बहुत अमीर हैं, उनसे ही कुछ मदद मांग लो। सुरेश तुरंत अपने बड़े भाई रमेश के घर पहुंचता है। सुरेश दरवाजा खटखटाता है। रमेश दरवाजा खोलता है। अरे सुरेश, क्या बात है, कैसे आना हुआ? भैया, मेरा कारोबार बंद हो गया है, घर में अनाज भी खत्म हो गया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, आपसे थोड़ी मदद चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ये क्या बात हुई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा कारोबार बंद हुआ तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से। सुरेश अपमानित होकर वहाँ से अपने घर की तरफ निकलता है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है, वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ माता जी। सुरेश लकड़ियों का गट्ठा उठाता है और बुढ़िया के साथ चलने लगता है। बुढ़िया का घर आ जाता है और सुरेश लकड़ियों के गट्ठे को घर के बाहर रख देता है। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज भी नहीं है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे तुम अमीर बन जाओगे। क्या? अगर तुम इस रास्ते पे सीधे जाओगे तो तुम्हें दो आम और सेब के पेड़ मिलेंगे। उन आम सेब के पेड़ के पीछे एक बहुत पुराना महल है, वहाँ तुम्हें तीन बोने मिलेंगे। उन बोनों को मिठाई बहुत पसंद है, तुम बस उनको मिठाई देना और बदले में उनसे चक्की मांग लेना। बुढ़िया सुरेश को मिठाई देती है। सुरेश आगे चलने लगता है। रास्ते में उसे दो सेब के पेड़ दिखाई देते हैं और उसके पीछे उसे एक पुराना महल दिखाई देता है। वो उसी तरफ चलने लगता है। वो महल के अंदर जाता है।
बोनों से तीन बोने दिखाई देते हैं। तुम कौन हो? चोर लगते हो। तुम यहाँ चोरी करने आए हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ। मिठाई? वाह! तुम यह मिठाई हमें दे दो और बदले में जो चाहे ले लो। मुझे इसके बदले में वह चक्की चाहिए। हाँ ले लो, मगर यह कोई मामूली चक्की नहीं है। तुम इसे चला के जो भी मांगोगे वो बनना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही उसके ऊपर लाल कपड़ा डालोगे तो ये चक्की बंद हो जाएगी। सुरेश बोनो से मिठाई के बदले चक्की लेकर वहाँ से निकलता है। जैसे ही वह घर पहुँचता है, देखता है उसकी बीवी बच्चे जमीन पे भूखे पड़े हैं। वो जल्दी से चक्की को नीचे रखता है और चक्की घुमाता है और कहता है, चक्की चक्की मुझे दाल दे। चक्की दाल का ढेर लगा देती है। और सुरेश उस पे लाल कपड़ा डाल देता है। चक्की चक्की मुझे चावल दे। और चक्की चावल का ढेर लगा देती है। सुरेश फिर उस पे लाल कपड़ा डाल देता है। पूरा परिवार पेट भर के खाना खाता है। अब सुरेश रोज उससे बहुत सारा अनाज मांगता है। जैसे दाल, चावल, आटा, बाजरा इत्यादि। और सारा अनाज बाजार जाके बेच देता। धीरे धीरे सुरेश अमीर बन गया। नया घर, गाड़ी और नौकर आ गए। ये देखकर उसका बड़ा भाई रमेश बहुत दुखी हो गया। वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। यह कैसे हो सकता है? ये अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई राज है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। एक दिन रमेश सुरेश के घर में छुप गया और उसने देखा कि वह सारा कमाल उस जादुई चक्की का है। उसने मौका लगते ही चक्की चुरा ली और अपने बीवी बच्चों के साथ नाव में बैठकर गांव से भाग गया। नाव में जाते हुए रमेश ने चक्की का जादू देखना चाहा। उसने चक्की से कहा, चक्की चक्की मुझे आटा दे। चक्की ने आटा देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरी नाव आटे से भर गई। लेकिन रमेश को चक्की कैसे बंद होगी ये नहीं मालूम था। चक्की बंद हो जा, चक्की बंद हो जा। रमेश चिल्लाता रहा लेकिन चक्की बंद नहीं हुई और रमेश पूरे परिवार के साथ नदी में डूब गया। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो अपने कुछ खिलौने रोनी को देता हुआ, रोनी मुझे माफ कर दो। धन्यवाद मेरे दोस्त, ये हुई ना बात।
नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मंबो जंबो किड्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मू और जो अपने कमरे में खेल रहे थे। मुझे और खिलौने चाहिए, ये सब पुराने हो चुके हैं। जो, तुम्हारे पास बहुत खिलौने हैं, तुम उनसे खेल सकते हो। जो ने अपना एक खिलौना जो उसके हाथ में था फेंका और बोला, नहीं, मेरे दोस्त रोज स्कूल में नए खिलौने लाते हैं, मुझे भी चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा। हाँ सुनाओ। एक समय की बात है, एक शहर में एक अमीर आदमी था। उसका नाम राजेश था, फिर भी वह और अमीर बनना चाहता था। एक दिन राजेश अपने बगीचे में घूम रहा था, तभी उसने झाड़ी में एक अजीब सी चिड़िया देखी। वह बहुत छोटी और सुंदर थी, उसकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। राजेश ने अपने जीवन में कभी ऐसी चिड़िया नहीं देखी थी। वह धीरे धीरे झाड़ी के पास गया और उसने उसे पकड़ लिया। तुमने मुझे क्यों पकड़ा? मैं तुम्हें बेचकर और अमीर बन जाऊंगा। लेकिन आप तो पहले से ही अमीर हो, फिर भी मुझे बेचना चाहते हो। मैं और अमीर बनना चाहता हूँ, बाजार में मुझे तुम्हारी अच्छी कीमत मिलेगी। तुम मुझे बेच नहीं सकते, क्योंकि जब भी मैं किसी कैद में आती हूँ तो मैं अपनी सुंदरता और आवाज खो देती हूँ। फिर वह धीरे धीरे एक काले पक्षी के रूप में बदल गई और बिल्कुल कौवे की तरह दिखने लगी। राजेश का पैसे कमाने का सपना टूट गया और गुस्से में बोला, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खाऊंगा। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझसे बिल्कुल मांस नहीं निकलेगा। राजेश चुप था। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें उसके बदले 3 नियम बताऊंगी। ये नियम तुम्हें और अमीर बना सकते हैं। मैं नियम का क्या करूंगा? वो मेरे किस काम आएंगे? मुझे और अमीर, बहुत अमीर बनना है। अरे हाँ, ये नियम तुम्हें और भी अमीर बना सकते हैं। क्या सच में मैं और अमीर बन जाऊंगा? मगर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम उड़ जाओगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। राजेश ने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया तुरंत उड़कर पेड़ की एक शाखा पर बैठ गई। चिड़िया का रंग बदलने लगा, वह फिर से सुंदर हो गई। अब तुम मुझे वो 3 नियम बताओ। पहला नियम, कभी भी दूसरों की बात पर एकदम यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम, जो चीज हमारे पास ना हो उसके लिए उदास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम, जो चीज हमारे हाथ में हो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। यह सुनकर राजेश गुस्से में चिल्लाया, ये नियम सब जानते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया है। राजेश, तुम आराम से बैठो और सोचो आज तुमने क्या किया। मैं तुम्हारे हाथों में थी, तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने मेरी बातों पर बिना सोचे समझे यकीन कर लिया और अब तुम उदास हो,
क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। ये नियम सबको पता है, मगर इसका पालन कोई नहीं करता, तुमने भी नहीं किया। अब तुम्हें पता चला इन नियमों का असली महत्व। यह कहकर वो सुंदर चिड़िया उड़ गई। मैं समझ गया मो, मैं इन्हीं खिलौनों से खेलूंगा। ये हुई ना बात। मो और जो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, तभी जो को शरारत सूझी और उसने मो को परेशान करना शुरू कर दिया। जो, हमें किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे मस्ती करनी है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? ये एक बार की बात है, चिंटू अपने घर में आराम कर रहा था। अचानक उसके कमरे की खिड़की पर बिजली चमकी। चिंटू घबरा कर उठ गया। उसने देखा कि खिड़की के पास एक सुंदर परी हवा में उड़ रही थी। परी खिड़की के पास आई और बोली, चिंटू तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। चिंटू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। परी ने चिंटू को एक छड़ी देते हुए कहा, चिंटू ये जादू की छड़ी है, तुम इसे जिस भी चीज की तरफ मोड़ कर घुमाओगे वह चीज गायब हो जाएगी। अगले ही दिन चिंटू वह छड़ी अपने स्कूल ले गया। वहां उसने मस्ती करना शुरू कर दिया। चिंटू ने स्कूल में भी टीचर की किताब गायब कर दी। फिर उसने अपने दोस्त का टिफिन गायब कर दिया और कई बच्चों की रबर और पेंसिलें भी गायब कर दी। जब वह घर पहुंचा तब भी उसकी शरारतें बंद नहीं हुई। चिंटू को इस खेल में बड़ा मजा आ रहा था। किचन के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखी थी। चिंटू ने सोचा, क्यों ना मैं इस कुर्सी को गायब कर दूं? जैसे ही उसने छड़ी घुमाई वैसे ही चिंटू की माँ किचन से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने से गुजरी और कुर्सी की जगह चिंटू की माँ गायब हो गई। चिंटू घबरा गया और रोने लगा। इतने में उसके सामने वह परी आई। चिंटू ने परी को सारी बात बताई। परी ने चिंटू से कहा, मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकती हूँ, लेकिन इसके बाद मैं तुमसे ये जादू की छड़ी वापस ले लूंगी। तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, लेकिन मेरी माँ मुझे वापस ला दो। तब परी ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते चिंटू की माँ वापस आ गई। चिंटू ने मुड़कर परी का शुक्रिया कहना चाहा, लेकिन तब तक परी बहुत दूर बादलों में जा चुकी थी। चिंटू अपनी माँ को वापस पाकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर गले लग गया। जो, कुछ समझ आया? हाँ मो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बेवजह परेशान किया। अब मैं किसी को भी बेवजह तंग नहीं करूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।